आजको नमस्कार। आज मेरे साथ ऑस्कर ग्रासिया मेरे साथ है स्पेन से। इनका अपना जिम भी है, ये प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में भी लोगों को ट्रेन करते हैं। मेरे बेटे के कोच हैं और आज इनके जिम पे हम आए हैं। मुकेश भी मेरे साथ हैं। एज यू नो ही ट्रॉफीज हैं जो स्पेनिश उसमें जीती हुई है इन्होंने। ऑस्कर ये खुद ये रहे। यस, ये इनका जिम है। आज बात करेंगे कि हर कोई बच्चा बॉडी बिल्डर बनना चाहता है। जब वो जिम में जाता है, बड़े बॉडी बिल्डर को देखता है तो उसकी तमन्ना जागती है कि मैं बॉडी बिल्डर बनूं। और उसको ये पता भी नहीं होता, क्योंकि जैसे कोई भी फुटबॉल खेल के ग्राउंड में जाता है तो वो बड़ा फुटबॉलर बनना चाहता है कि मैं भी इंडिया खेलूँ या इंटरनेशनल जाऊँ या बार्सिलोना क्लब से जाऊँ। ड्रीम तो आदमी के होते ही हैं, लेकिन ड्रीम के को पाने के लिए आपको थोड़ा सा, मैं कह रहा हूँ, एक तो आपके कोच को पहचान होनी चाहिए कि आप बॉडी बिल्डर कितने अच्छे हैं और कितने अच्छे बन सकते हैं, आपका फ्यूचर क्या है, ये भी बात है। पर वो कोच को उसकी नज़र पहचाननी चाहिए कि आपका, जैसे कोई कोई बच्चे ऐसे आते हैं हमारे पास, मैं उनको उसमें ही पहचान, जैसे मुकेश जी को रियल मायने में जब ये आए और थोड़े दिन ही ट्रेनिंग की, मैं समझ गया कि ये बहुत लंबा खिलाड़ी है। ऐसे दिनेश जी थे और भी बड़े प्लेयर थे, नरेश था, सारे प्लेयर थे। तो जेनेटिक्स का भी रोल है इसमें। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आप डिसहार्टेड मत होना हमारी टॉक से कि कहीं आप वर्जी से छोड़ के बैठ गए। इफ़ यू देखो, अजूबे दुनिया में होते हैं, कुछ जेनेटिक्स नहीं भी होते वो भी बन जाते हैं रिलीजन से। लेकिन जेनेटिक्स जो बड़े लेवल का है ना, वो जेनेटिक्स पैदाइशी बहुत डिपेंड करता है मुझे। हाँ, वर्ल्ड को लीड करना, टॉप पर जाना है तो वहाँ पर थोड़ा सा मैटर करता है। हाँ, वो तो मैटर करेगा। ऑस्कर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट Yes. ¿Qué piensas sobre la genética? La genética es determinante. Aparte de la diferencia entre los que ganan, los que quedan de los primeros. Genetics es muy importante y eso decide. जो फर्स्ट आता है और जो थर्ड आता है, कई बार इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि जो फर्स्ट आता है और जो थर्ड या फोर्थ आता है जो हार जाते हैं, उसमें ये जेनेटिक्स का ही फर्क होता है, इतनी इंपॉर्टेंट है। ये तो नेचुरल है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मेरा ये कहना है कि वो बच्चे डिसार्टेड ना हो जो जेनेटिक्स नहीं है। अब उनको जेनेटिक्स की पहचान कैसे होगी, वो ही बहुत जरूरी बात है कि अच्छे कोच ही पहचाने। ये बात तो है, क्योंकि आप बचपन से जैसे छोटा सा खिलौना है उसका फिजिक ऐसे पैदाइशी सारे 3-4 पाउंड के होते हैं, लेकिन उसकी अपग्रोइंग में उसकी आदतों से उनके जेनेटिक्स से बंदा पहचानता है कि वो कितना अच्छा बन सकता है फ्यूचर में। ये कोच की नज़र होती है। बिल्कुल, प्लेयर को तो पैशन होता है करना है। हाँ, और इसमें डिसाइडेड होने की भी जरूरत नहीं है। पर अगर मैं ये भी कहता हूँ कि आप फिटनेस मत छोड़ो, अगर नहीं अच्छे बने तो अच्छी बॉडी तो बनाओ। क्या कह रहे हैं आप, स्टेट नेशनल लेवल, अब हर कोई तो ओलंपिया नहीं पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, एक ही बनेगा। सो ऑस्कर को मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आप कैसे पहचान करते हो ये जेनेटिक्स है और ये जैसे कि cómo haces para conocer como un entrenador tú cómo haces para conocer que si tiene buena genética no tiene no pues eso se va viendo durante el tiempo que está entrenando, que está comiendo, unos tienen más resultados, otros tienen menos, depende de cómo. ये कह रहा है कि जब धीरे धीरे ट्रेनिंग करते हैं तो पता लग जाता है, पता लगता है धीरे धीरे अच्छे कोच को, भाई उसकी जब खाना किस तरह वो डाइट फॉलो कर रहा है, वो करने के बाद फिर उसका रिजल्ट उसकी पहचान हो जाती है और उसके बाद उसके रिजल्ट जो आते हैं उससे उसकी जेनेटिक्स के बारे में मालूम हो जाता है। अब मैं मुकेश एक बात ये भी करना चाहता हूँ कि हम जब हर कोई बच्चा आता है, खूब खाना खाने लग जाता है, खूब सप्लीमेंट ले लेते हैं, बड़े को देखता है तो बड़ा होने की कोशिश करता है, तो क्या ये ठीक है? मेरे ख्याल से तो जो मेरे जिम में जो उसकी आज स्टेज है बड़े बॉडी बिल्डर, वो देख उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। वो ग्रासरूट से जो आया था शुरुआत में, वो तब वो कितनी डाइट लेता था, कैसी ट्रेनिंग करता था, वो उसको बिल्कुल इग्नोर कर देता था, उसको वहाँ जाता ही नहीं और सीधा हाई जंप। आप उसको 10 साल करते हो जिसको उसको देखता कि मैं ये करूँ। ऑस्कर, व्हाट डू यू थिंक व्हेन पीपल कम्स इन द जिम, वो जिम में आते हैं और बहुत सारा सामान खा लेते हैं, ¿Qué piensas cuando hay gente a veces viene al gimnasio y empiezan a comer mucho, empiezan a entrenar con mucho peso, aunque lo hacen bien? Aquí en el gimnasio todos van diciendo lo que yo les digo. Claro.
En otros gimnasios cada uno puede hacer pues, lo que quiera. No, pero si es correcto o no es correcto. Hombre, si es correcto, a ver, hay que entrenar con mucho peso también. Y siempre bien hecho y la comida pues adaptada a cada uno. Claro, pero hay que comer mucho y entrenar fuerte, eso está claro. Hablan por aquí como... no sin saber. Ya, ये कह रहा है कि भाई वेट ज्यादा वेट उठाने चलो अच्छी बात है लेकिन जब तक बंदे को उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो भी आते हैं जो ये कोच बोलता है वही करते हैं हाँ। तो बंदे को जो कोच बोल रहा है उसको फॉलो करें ना कि अपनी मर्जी से हाँ। आप कुछ भी ऐड करी जाओ कुछ हाँ। भी खाई जाओ और ये करो कोच को अच्छे कोच को पहचान होती है कि कितना वजन बढ़ाना है कितना खाना है जैसे उसे कुने ले एंट्रेनादोर लो के दीगा claro no se puede comer en general sin saber lo que se come claro que era y siempre hay que tener unos parámetros es decir pues yo tengo que coger tanto peso pues comer siempre sabiendo lo que comes para luego poder hacer modificaciones de eso कह रहा है ऐसे थोड़ा कि वही आए और कुछ भी खाना शुरू कर दिया वो भाई दूसरे को देख के हाँ। कह रहा है जितना आपको पता होना चाहिए आपने इतना भाई आज आपने हैवी ट्रेनिंग करनी है तो आपको उस हिसाब से खाना खाना है जिस दिन वो है कह रहे उससे उस हिसाब से आपको मूव करना चाहिए अच्छा अभी कैलोरीज की बात कर रहे थे हम हाउ मेनी कैलोरीज जब आप साइज बढ़ाते हो कितनी कैलोरीज इंटेक करते हो यहाँ पे स्पेन में ¿Cuánto calorías aquí en España más o menos para crecer cuántas calorías se comen al día? Pues alrededor de unas 5 o 6 mil, hay quien llega a 8 mil, 10 mil, eso ya según cada uno en volumen. कह रहा है कि नॉर्मली जैसे 5000 6000 कैलोरीज कह रहे कई बंदे हैं जो ज्यादा भाई बड़े होते हैं डिपेंड करता है उनके वॉल्यूम पे वो 8 to 10,000 कैलोरीज पे भी चले जाते हैं गेनिंग के टाइम हाँ जी और जब लीन होते हैं तब Cuando ya empieza a definirse, pues se reduce a la mitad, luego se va viendo meter más pues ejercicio cardiovascular, o sea, alrededor de unas 2000 según también el peso de cada uno. Que वो भाई 50% रिड्यूस कर देते हैं ऑलमोस्ट फिर उसके बाद क्या देखते हैं जैसे भी बंदा जो भी चल रहा है प्रोसेस उसका तो उस हिसाब से उसकी कैलोरीज वो करते हैं और जो कार्डियो एक्सरसाइज है वो बढ़ा देते हैं कार्डियो तो मुझे हमें पता है लेकिन मुकेश जी हम 4-5000 कैलोरी हमारे को इंडिया में कैसे पता लगेगी ये बड़ी बात है ना आप तो इंडिया में आते हैं हमारे यहाँ तो सब्जियां साग ये वो हैं अंडे चिकन से ही हमारे को लेना पड़ेगा ज्यादा सोर्स सलाद से फ्रूट से इसके मास के मिरा लास कैलोरियास से मिरा मास दे दोंडे प्रोवीनें mejor mirar la calidad de dónde vienen esas calorías y qué le que calorías se llama y es muy bien importante que vos calorías qué chis se ha rían ah qué source se ha rían ah y ni que vaya a tener fat que calorías hay ya yo 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 ऐसे नहीं है वो भी कैलोरीज है लेकिन वो कैलोरीज ऐसी है कि बाद में जाके आपको तंग करने वाली है ये क्या चिकन ले लिया आपने अंडे ले लिए इंडिया का सोर्स बता रहा हूँ स्प्राउट्स ले लिए पोहा खाया उपमा खाया दलिया खाया ड्राई फ्रूट के साथ ये सब ठीक है ना हेल्दी फैट्स भी ऐड करना और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है इसलिए भी कह रहा हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि बच्चों को बड़ा पैशन हो जाता है कि नहीं नहीं मुझे बड़े यू कैन बन सकते हो लेकिन यू नीड अ टाइम to invest in your exercise and your diet. आज हम ये बात करी और जब भी अभी आगे भी बात करेंगे इसलिए थोड़ा सा मैंने ऑस्कर का ओपिनियन लिया कि क्या फर्क है डिसार्टेड नहीं होना अगर आप जेनेटिक्स नहीं हो आप अच्छे कोच के पास जाओ वो पहचान के बताएगा लेकिन वर्जिश नहीं छोड़नी वर्जिश का फायदा ही फायदा अच्छे जीवन के लिए कोच आपको बताएगा आप मेंस फिजिक में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं क्लास फिजिक में कर सकते हैं या बॉडी बिल्डिंग में बॉडी बिल्डिंग में कर सकते हैं या आपके कोच की नजर जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं तो आप पावरलिफ्टिंग में अच्छा पावरलिफ्टिंग में अच्छा कर सकते हो तब भी बॉडी अच्छी बन जाएगी है ना बिल्कुल अब शुरू में तो आप बॉडी अच्छी बनाना आते हैं तो मेरी बॉडी अच्छी बनाना बाद में उसकी सोच बदल जाती है कि मैं प्रोफेशनल बनूं ये बनूं ये बनूं कौन से खो के केस दार आ लोस अलुमनोस o a los espectadores? A los alumnos les doy cada día los consejos, que entrenen, que coman, que sigan haciéndolo sin prisas, ¿vale? Porque en este deporte es de tener mucha paciencia y esperar resultados poco a poco, no de... en pocos días no se va a conseguir nada. Y que ahora mi idea es a todos, yo vi subscribers, yo vi viewers, que training karo achhi, achha khana khao, और धीरे धीरे ही ग्रोथ होती है इसमें कोई जल्दी वाला कोई रास्ता नहीं है और बेसिक्स सबसे इम्पोर्टेंट है बेसिक ट्रेनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है देखो हम बार-बार बात करते हैं और बाहर के लोग भी यही करते हैं बेसिक आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए सीधा आपको हेल्प नहीं लेनी आते ही लेट गए और हेल्प नहीं लेनी वो मैंने बेसिक बताया हुआ है आपको आप देखते रहो
Thank you very much. God bless you, everyone. Thank you, Oscar. Thank you. With us, yes. Thanks. Thanks to you. God bless you. Thank you. Thank you, Terry.